बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू टेक्निकल इरफान। टेक्निकल इरफान में खुश आमदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आरसीसीबी। द फुल फॉर्म इज एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एंड द आर सी सी बी फुल फॉर्म इज रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों अगर हम इनकी वर्किंग के लिहाज से डिफरेंस देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है और इनके जो है ये किस किस असूल पे काम करते हैं। तो जो हमारा एमसीबी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करता है जी ओवरलोड पे। आपने जितनी कैपेसिटी का जितने एम्प्स का सर्किट ब्रेकर लगाया होगा अगर आपका करंट उससे इंक्रीज होता है तो आपका ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा ओवरलोड की सूरत में। दूसरे नंबर पे ये काम करता है जी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की सूरत में यह काम करता है कि अगर आपके न्यूट्रल और फेस जो है आपस में मिल जाते हैं या आपकी कोई भी घर में जो इक्विपमेंट मशीनरी इलेक्ट्रिकल लगी हुई है वो अगर शॉर्ट हो जाती है तो भी ये काम करेगा। तो इसके बाद आ जाते हैं जी हमारा आरसीसीबी। आरसीसीबी जो है ये हमारा काम करता है जी अर्थ लीकेज पे। अर्थ लीकेज आपका न्यूट्रल या फेस दोनों में से कोई भी अगर ग्राउंड होगा तो ये फौरन ट्रिप करेगा, या अगर किसी बंदे को करंट लग जाता है या किसी भी चीज़ को तो ये फौरन ट्रिप करेगा। जबकि जो आपका एमसीबी है ये सिर्फ ओवरलोड की सूरत में काम करेगा या शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट कौन सा होगा कि अगर इसकी जो है न्यूट्रल और फेस आपस में टकराते हैं आपस में शॉर्ट होते हैं तो ये ट्रिप करेगा। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकली लिहाज से अगर इसको हम देखते हैं तो ये इसकी वर्किंग कैसी है और दोनों में खास डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने सप्लाई दे दी, ये इसकी इनपुट है ब्रेकर की और इस पे भी मैंने सप्लाई दी हुई है। अभी तक मैंने ब्रेकर दोनों ब्रेकरों को जो है ना ऑफ पोजिशन पे रखा हुआ है। अब सबसे पहले जो है ऑन कर लेते हैं जी एमसीबी को। एमसीबी में देखते हैं जी कि क्या फर्क है आरसीसीबी की निस्बत। तो हमने इसको सप्लाई दी, ये बल्ब रोशन हो गया। उसके बाद हम ये करेंगे कि जो इसकी आउटपुट है ये इसका फेस न्यूट्रल फेस की आउटपुट पे और न्यूट्रल की जो है इनपुट पे देंगे तो भी हमारा बल्ब रोशन हो रहा है, और इनपुट पे हम फेस और आउटपुट पे न्यूट्रल करेंगे तो भी रोशन हो रहा है। तो अब हम चलते हैं जी आरसीसीबी की तरफ। सबसे पहले तो इसकी दोनों आउटपुट पे देते हैं। ठीक है जी, ब्रेकर को ऑन किया, ये रोशन हो रहा है जी हमारा बल्ब। अब आउटपुट जो है वो फेस लेंगे और न्यूट्रल की इनपुट पे सप्लाई लेंगे तो ये देखा बल्ब रोशन नहीं हुआ, फौरन ब्रेकर ट्रिप कर गया। ठीक है जी, इसको फिर हम ऑन करते हैं दोबारा और इसका मेन सप्लाई लेंगे फेस इनपुट पे लगाएंगे और इसकी आउटपुट न्यूट्रल से लेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है जी। तो ये भी हमारा ब्रेकर फिर ट्रिप कर गया। मतलब कि अगर हमारी न्यूट्रल या फेज कोई भी इस ब्रेकर से आउट होगी या अर्थ होगी तो यह फौरन काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मेन सप्लाई आउटपुट की सप्लाई है ये कहीं से ब्रेक हो के उसमें न्यूट्रल भी हो सकता है फेस भी हो सकता है, कोई भी वायर ब्रेक होगी न्यूट्रल की होगी या फेस की होगी तो वो अर्थ जब भी अर्थ होगी तो यह फौरन काम करेगा। और अगर किसी बंदे को करंट लग जाता है तो ये तो भी ये फौरन काम करेगा, जबकि ये ब्रेकर आपके करंट लीकेज में भी काम नहीं करेगा और ना अर्थ लीकेज में काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है घरेलू यूज़ के लिए और कहीं भी कमर्शियल यूज़ के लिए भी तो वो आरसीसीबी सर्किट ब्रेकर है जो कि एमसीबी की निस्बत बहुत ही बेहतर है। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों लिहाज से इसका डिफरेंस का पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।